हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद उठा रहे होंगे। तो आइए आपके आनंद को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आपको चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो मजा आ रहा है ना, उसमें थोड़ी और वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश के क्रम में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। बहुत ही मजा आने वाला, बड़ी छोटा वीडियो होगा और इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, दौड़ के जाइए, कलम कॉपी ले आइए, बैठिए हमारे साथ और लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बॉन्ड लाइन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये एथेन है। स्टूडेंट्स सब पहचान रहे हो ना, दो कार्बन दो को क्या बोलते हैं, ईथ, सिंगल बॉन्ड एथेन। कोई समस्या? नो। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। दोस्त इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये बिंदु तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक लाइन खींच देते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते हैं। याद रखिए, अब इसको पढ़ेंगे एथेन। ये दोनों एक ही चीज है, मतलब इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अगर कहीं प्रोपेन लिखा हमने तो, ये प्रोपेन हुआ ना भाई, बोलिए हाँ या ना। यस, हाँ। तो इसको कोई व्यक्ति चाहे तो इस तरह से लिख दे। हाँ जी बिल्कुल, एक दो तीन कार्बन है। आप सोच रहे होंगे अच्छा हम ऐसे कर दें तो, बिल्कुल सही है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन पढ़ेंगे। ये प्रोपेन है, सिंपल। एक्चुअली जैसे इसको लिखने का ये तरीका, अगर आपने इसको कहा कि एथेन है तो ठीक है, ये भी एथेन है। अच्छा, तो अगर हमने चार कार्बन दिए, स्टूडेंट्स यार घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं, एकदम साथ हैं। जब तक आपको ऑर्गेनिक सिखा नहीं देंगे तब तक हम आपके साथ नहीं छोड़ने वाले, बस आपको कंटिन्यू रहना है। ये देखिए, चार कार्बन है ना, तो कुछ मत करिए। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये है, एक दो तीन चार। आप कहेंगे ऐसे ही क्यों, अरे मेरे भाई आपकी मर्जी, इस दुनिया में कहीं नहीं लिखा है कि इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, आप जैसा चाहते। अच्छा, आप सोच रहे ऐसे बना दें, अरे मेरे भाई बना दो, बस क्या रखना, एक दो तीन चार, मोर कितने, एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर। तो सब इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। मतलब आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे किसी तरह से मोड़ देखना है कितने का, हर मोड़ पर एक कार्बन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहां पर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है और इसी को कोई व्यक्ति चाहता है कि बॉन्ड लाइन के रूप में दिखा दे, माने इस तरह से, तो ठीक है, वन टू थ्री फोर है, तो आपने ऐसे किया। और देखिए इधर से दूसरा नंबर पे दो दो ब्रांच मिथाइल। अच्छा, अब ये देखो, थोड़ा मजा आएगा आपको, आप ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। ये है एक दो तीन चार। अब ये क्या है, तो इसमें आप एक कार्बन है, तो ब्रांच में जब एक कार्बन होते हैं नाम होता है मिथाइल, होता है ना, ब्रांच में एक कार्बन हो गया तो नाम हो गया मिथाइल। अगर वही ब्रांच में दो कार्बन हुए तो इथाइल, तीन हुए तो प्रोपाइल, चार हुए ब्यूटाइल। तो आइए, यहां पर हो गया कितने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति नाम लिखना चाहे तो दो कॉमा दो डाई मिथाइल ब्यूटेन। चार कार्बन तो हमने लिख दिया इसमें ब्यूटेन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए एक दो और बातें करते हैं। किसी ने आपसे इस तरह से सवाल कर दिया, हालांकि आजकल लोग सवाल कम पूछते हैं, लोग व्हाट्सएप नंबर ज्यादा पूछते हैं, लेकिन आपसे किसी ने सवाल किया कि भाई इसका नाम बता दीजिए, सिंपल, वन टू थ्री फोर फाइव, या यहां से गिनिए। आइए थोड़ा रंग बदलते हैं, इस के नंबरिंग का ये हो गया फोर और ये फाइव। तो ये क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इसमें कितने कार्बन हैं, एक दो। तो ब्रांच में अगर दो कार्बन हुए तो दोस्त नाम होता है इथाइल, और ऊपर में क्या, यहां पर एक अंत मिथाइल, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, इसका नाम होना चाहिए थ्री इथाइल, थ्री मिथाइल पेंटेन।
एक बात बता दे दोस्त, मुझे ना बहुत ही मजा आ रहा है। मुझे अब ये नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है। अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा हो कि नहीं आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, तो आप इसको कहीं शेयर भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं कि हाँ भाई एक और टीचर हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, किसी ने इसको ऐसे लिखा और फिर पूछा नाम बताइए। तो आप याद रखिए, हर मोड़ पर एक क्या है, कार्बन है। तो यहां पर देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट एकदम सेम टू सेम, तो 1 2 3 क्या इधर मुड़ जाए, 9 4 5, इसको 6 कह देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। आप 6 इसको मत बोलिए ना, 6 इसको बोले क्योंकि इधर 7 बोलने का आपको मौका मिल रहा है। अब आइए नाम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये अब ब्रांच हुआ इथाइल, ये ब्रांच हुआ मिथाइल, ब्रांच हुआ मिथाइल और ये ब्रांच हुआ मिथाइल। दोस्तों इथाइल कितने नंबर पे है बोलो, 3 नंबर पे। एक बार फिर से बोलो कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे। तो 3-ethyl। अब बताओ मिथाइल कहां है, तो 4 नंबर पे है। कहे गो भाई, तो 2 गो। क्या और कहीं मिथाइल दिख रहा है, देखो ध्यान से, 5 नंबर पे है। अच्छा एक बात बता दें कि कभी कभी छोड़ जाता है, कल वाला वीडियो, मैंने वीडियो नंबर 2 जो था नोमेनक्लेचर का, उसमें आप ही के एक मित्र ने मुझे बताया, दोस्त ने बताया कि सर एक जगह मिथाइल जो है आपने छोड़ दिया है, तो इस तरह की गलती के लिए मैं सॉरी। तो यहां पर देखिए 5 कितने हुए, ट्राई हुए, तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन काउंट किया आपने, 7, तो 7 को हेप्टेन लिख देंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का अगर आप चाहते हैं वाकई कि आनंद लिया जाए, तो ये देखिए आप इधर से आइए, क्या मजेदार सीन है, क्यों जी है ना, काउंट करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कहां से देखें, सबसे लंबा कार्बन चेन का चुनाव करना है, सबसे लंबा। जानते हैं हम तो चाहते हैं कि आपका कद ऊंचा हो, लंबाई चाहे जो भी हो, आपका कद ऊंचा हो और सबसे ऊंचा हो। इसके लिए जरूरी यह है कि आप पढ़ें, समझे, 1 2 3 पे ब्रांच मिलेगा, 1 2 3 पे ब्रांच मिलेगा और 3 पे इथाइल। हाँ देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। देखो दोस्त, 1 2 3 पे ब्रांच मिला, 1 2 3 पे ब्रांच मिला, 3 के बाद 4 पे इधर से भी, 4 पे इधर से भी, लेकिन अब देख रहे हैं इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल है। ये मिथाइल है ना और ये इथाइल है। तो ABCD में ई पहले आता है, इसीलिए काउंटिंग इधर से होगी। आप लोग एक बात बता देते हैं कि अगर आपको कोई बहुत ही इसमें ऐसी कोई समस्या हो जो न समझ पा रहे हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835806582। आप इस पे मुझे मैसेज करके ये बता सकते हैं कि आपको समस्या क्या हो रही है। आपको ये भी लगता है कि ना इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई जाए उदाहरण के लिए, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब। तो आप देखिए 3 पर ये भी तो इथाइल है, तो 3.4 डाई इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल और कितने कार्बन हैं, 7, तो हेप्टेन। ये हेप्टेन हो गया, ANE अंत में लिखना बेहद जरूरी है, ANE, तभी तो अल्केन हुआ। तो आप समझ रहे होंगे, एक और एग्जांपल से आप को मैं समझाना चाहूंगा। देखिए मान लीजिए ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो एकदम सिंपल हो गया, एकदम सिंपल हो गया। तो काउंट करिए यहां से 1 2 3 4 5, ये ब्रांच हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ, चारों ब्रांच मिथाइल हैं। कहां कहां हैं, तो 2.2.3.3 टेट्रा मिथाइल, टोटल कितने हैं, पेंटेन, 5 हैं तो पेंटेन। आप लोग थोड़ा बढ़िया से लिख लेंगे, आप सोच रहेंगे कि यार क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो इस बात पे डिस्कशन नहीं करूंगा, ये है
बॉन्ड लाइन स्टार, ये अल्केन के नोमेनक्लेचर अगर इस रूप में दिए जाते हैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मेन टारगेट है और जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, इस वीडियो का जो सेकेंड हिस्सा अब शुरू होने जा रहा है, साइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर। तो आइए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि साइक्लो अल्केन को शुरू कर सके। आइए स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ये जो है आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, एक दो तीन, तीन कार्बन है ना, ये है प्रोपेन। लेकिन हमने क्या किया, इसी तीन कार्बन को जोड़ दिया, क्लोज कर दिया, ये हो गया साइक्लो, ये हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। और जानते हैं उसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। समझ आया आपको, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम हैं ना सही सलामत। कितने, एक दो तीन चार है, क्या नाम है, ब्यूटेन, अभी तो मैंने बताया। लेकिन दोस्त इसको किसी ने ऐसे कर दिया, गिनो वन टू थ्री फोर फाइव, सॉरी फोर, तो क्या नाम हुआ, साइक्लो लगा दीजिए, साइक्लो ब्यूटेन हो गया, ये साइक्लो ब्यूटेन। थोड़ी लाइट की लग रही प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट, साइक्लोब्यूटेन, अगर लाइट की समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बोलेंगे। अब हमको किसी ने ऐसे लिख के दे दिया दोस्त, तो नाम बताइए, हाँ अब भी कभी बताइए, काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन है, क्लोज है, तो नाम होगा साइक्लो पेंटेन। क्या नाम है, साइक्लो पेंटेन। अब इसका नाम बोलिए, कितने, एक दो तीन चार पाँच छः हुआ, तो नाम हुआ, खूबसूरत सा नाम है, साइक्लो हेक्सेन। आप कोई ऐसा कहीं फिगर देखे हैं, इसी में अगर यहाँ अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बेंजीन हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी सब सिंगल बॉन्ड है और नाम क्या है, साइक्लो हेक्सेन। अब आइए मित्र, थोड़ा और मजा लिया जाए, आपको किसी ने ये दिया तो कहेंगे तो साइक्लोब्यूटेन अभी तो लिखे हैं, हाँ जी अभी लिखे हैं हमने, यहां पर ये चीज लिखा, अब बताइए, अब देखिए आ रहा है ना मजा, ये है ब्रांच, इसका नाम है मिथाइल, ब्रांच का नाम पहले लिख देंगे, और साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। दोस्त तो ये बताओ, तो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है क्या नाम होगा, सोचिए और सोच के बोलिए और प्यार से बोलिए, कमेंट करके बोलिए, ये इथाइल हुआ ना, तो नाम होगा इथाइल साइक्लो पेंटेन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पोजीशन नहीं लिखेंगे क्या यहां पे, तो जब तक रूल सुनो, अगर साइक्लो अल्केन में केवल और केवल एक ब्रांच हो तो पोजीशन नहीं लिखा जाता। फिर से बोले, अगर साइक्लो अल्केन में केवल एक ही ब्रांच हो तो ब्रांच का पोजीशन नहीं लिखा जाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां पर ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो केवल सिंपली नाम लिखे इथाइल है, तो नाम होगा इथाइल साइक्लो हेक्सेन। हाँ आप सोच रहे हैं ना, वो हम भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर ब्रांच दो हो तो घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ हैं। तो दोस्त इधर देखिए, दो ब्रांच हमने बनाए, एक यहां और एक यहां, अब काउंटिंग करेंगे, किसी एक ब्रांच से काउंट करेंगे और दूसरे ब्रांच उस छोर से बढ़ेंगे कि दूसरा ब्रांच नजदीक पड़े, तो यहां से गिनेंगे, अगर यहां से वन टू थ्री फोर, आप कहेंगे यहां से क्यों नहीं, तो आप गिन लीजिए, यहां से भी गिनने का याद है, तो कहां कहां ब्रांच है आप बोलिए, ब्रांच है वन कोमा टू डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा आप समझ गए क्या, बोलिए, अगर समझ गए तो दोस्त इसका नाम बता दो, तो आप लोग, ये साइक्लो हेक्सेन हुआ, एक ब्रांच हमने दिया यहां पे और एक ब्रांच हमने दिया यहां पर, इस तरह से फटाफट नाम बताइए, मुझे यकीन है आपने नाम लिख लिया होगा, जैसा मैंने बताया है क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, पॉज करके लिखना है और फिर मिला लेना है। अब देखिए काउंटिंग कहां से करें, अगर किसी ने वन टू थ्री किया ना तो गलत किया है काउंटिंग,
ये इथाइल है दोस्त, तो इथाइल से ना शुरुआत करोगे जब किसी को वन कर सकते हैं, तो वन टू थ्री ऐसे होगा, नाम होगा वन इथाइल, थ्री मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। आपको बात समझ में आई? अगर समझ में वाकई आई है तो एक बार फिर से आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बना दीजिए आंसर, बता दीजिए पक्का। यस, तैयार। तो अब रुक जाइए, यहां देखिए, और ये देखिए हमने क्या किया कि ये तो एक ही पर दोनों है, एक ही पर, तो इसका नाम है, अगर यहां पर वन कह दें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन पर इथाइल है, देखिए ये इथाइल है ना, तो लिखेंगे वन इथाइल, अब वन पर मिथाइल है, वन मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, वन इथाइल वन मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो दोस्त, तब तक आ जाते हैं हम। बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए ट्राई मार लीजिए, अजमा लीजिए खुद को। देखिए मैं बना रहा हूं, देखिए अगर हमको इसको वन कहें और इसको टू कह देते तो मूर्खता होगी, वन के बाद टू इसको कहेंगे और थ्री इसको कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो ये इथाइल है तो हम इसी को क्यों ना एक कहें, तो चलिए ठीक है, अगर इसको हम वन कह देते हैं तो अब देखिए कि ये जो है ये वाला ब्रांच, एक बार दो ये वाला दूर हो जाएगा ना, इसलिए ये ब्रांच सभी नजदीक रहे ये कोशिश करनी है, मतलब आप इसको वन टू थ्री तब ये फोर पर हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको अगर वन कह देते हैं तो लगातार हो गया, लगातार क्या मतलब सबसे छोटा डिजिट मिला, तो नाम है टू इथाइल और वन कोमा थ्री डाइमिथाइल और टोटल कितने कार्बन है साइक्लो पेंटेन। आपने बात समझा? अच्छा, अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये जरा देखिए, तो ये है यहां पे इथाइल है, चलिए आज बना के देख लीजिए, बनाइए एक बार, आइए बना देते हैं हम। देखिए इसको वन कहें और इसको टू, गलत, यहां पर दो ब्रांच है मित्र, दो कितने हैं दो, और एक पर ये तो भारी पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको कहेंगे वन और इसको कहेंगे टू, तो नाम हो गया टू इथाइल और वन कोमा वन डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं, तो एक दो और बनाते हैं ताकि ये पता चल सके कि रियली में आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। ये इथाइल, ये इथाइल, क्या नाम होगा, वन टू, नाम होगा वन कोमा टू डाई इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। मजा आ रहा है ना समझ के ये बनाने में? अभी कुछ नहीं, मजा तो आएगा स्पाइरो में आने पर, बाई साइक्लो में आने पर, ब्रांचिंग ब्रांच बनाने पर, बहुत ही मजेदार है ये, रियली बहुत ही मजेदार है। अच्छा चलिए, अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना, ये आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, देख लीजिए खुद को, बना दे, चलिए देखते हैं। अब देखिए कहां से काउंट करें, ये एक बड़ी चीज हो जाती है, तो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और लिख रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझा सके, ये है और यहां है। चलो दोस्त किसी ने यहां गिना, ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो देखो उसको कहां कहां ब्रांच मिला, वन पे टू पे और फोर पे ये ब्रांच मिला, किसी ने यहां से गिना, यहीं से गिना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो दोस्त ब्रांच कहां से मिला, कहां कहां, वन पे टू पे और फाइव पे, आप जरा ध्यान से देखिएगा, और हम में से कोई मूर्ख ही होगा जो यहां से काउंटिंग शुरू करेगा, नहीं सॉरी मूर्ख तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहां से काउंटिंग करने का क्या मतलब,
यहाँ देख रहे हैं आगे पीछे दोनों गैप है, एक के बाद कम से कम दो तो मिल रहा है ना, तो यहाँ से तो सोचेंगे ही नहीं, हम सोचेंगे ये इधर से इधर आना और यहाँ से इधर जाना। तो अब दोनों में से वैलिड कौन है, देखो एक के बाद दो, एक के बाद दो, और यहाँ पर फोर और यहाँ पर फाइव, तो जाहिर सा जो स्मॉल जो डिजिट है वो है फोर, तो ये वाला गलत हो गया, ये जो काउंटिंग हुआ ये गलत हो गया, तो हमारा ये काउंटिंग सही हो। ये जरूर सोचना, हमेशा सोचना रहता है नोमेनक्लेचर बनाने में। तो कहाँ भाई नोमेनक्लेचर हो गया इसका 1, 2, 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आप ये बनाइए और मुझे दिखाइए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। बन जाएगा एकदम डेफिनेटली बनेगा यार, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक सिखाने लगे, तो इतना आसान है ना, इतना आसान है कि कुछ कहना क्या, बस दिखने में खतरनाक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, सब इथाइल है, तो क्या लिखेंगे बोलिए। नाम है 1, 1, 4, 4 टेट्रा इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो दोस्त, दम जल्दी से। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह मैंने आपके लिए कुछ पीएफपी दे दिया, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, इसको बनाना है और बना करके मुझे व्हाट्सएप करना है, मुझे बताना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। हाँ एक बात और स्टूडेंट, समस्या तो सबके पास है, आपके पास भी होगी, हमारे पास भी, सबके पास है। अरे भाई नरेंद्र मोदी के पास है, जाके उनसे पूछो, उनके पास भी है, तो समस्या सबके पास है। और एक बात याद रखना कि समस्याएं आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि समस्या आपको और मजबूत करने के लिए आती है। तो याद रखिए कि समस्या से घबराना नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करना है और डट के मुकाबला करना है। और मैं आपके साथ हूं, जीत आपकी पक्की है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।